नमस्ते, सत श्री अकाल। मेरा नाम है रेखा और आज मैं लेके आई हूँ एक टॉपिक जिस पर मैं चर्चा करने वाली हूँ। आप कोई भी टॉपिक मुझे दे सकते हैं एंड आज का भी जो टॉपिक है वो मुझे मेरी बेटी ने दिया, क्योंकि मेरे पास कोई भी टॉपिक नहीं है, समझ में आ रहा था मैं किस टॉपिक पर बात करूँ, तो मैं एक टॉपिक पर वो बोलने वाली हूँ। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके दिए हुए किसी टॉपिक पर बात करूँ तो उसके लिए आपको मुझे कमेंट करना पड़ेगा। तो जो आज का टॉपिक है वो है मेरी आदत। तो चलिए देर नहीं करते हैं और शुरुआत करते हैं आज के अपने वीडियो पर मेरी आदत की। आदत क्या होती है? सबसे पहले एक ही चीज़ को अगर हम बार बार दोहराते हैं, वही चीज़ हम बार बार करते रहते हैं तो वो हमारी आदत बन जाती है। अगर आपके अंदर कोई गलत आदत लग गई है तो वो भी इसी तरह से लगी होगी। पहले थोड़ी सी स्टार्ट होती है, फिर उसको बढ़ते बढ़ते जब वो ज़्यादा ही बढ़ जाती है तो वो गलत आदत हो जाती है। तो इसी तरह से हमारी अच्छी आदतें भी होती हैं। तो अगर आपके अंदर किसी भी तरह की अच्छी आदत नहीं डल रही है तो आप उसे कंटिन्यू 7 दिन तक फॉलो करके देखो। आज आप उठोगे 5 बजे, ठीक है? आपका जो माइंड है ना वो बड़ा शार्प है। अगर आप उसको रात में बोल के सो ना कि सुबह जल्दी जगाना है, पहले दिन नहीं जगाएगा, दूसरे दिन नहीं जगाएगा, तीसरे दिन नहीं जगाएगा, चौथे दिन भी नहीं जगाएगा, तो 5वें दिन वो आपको ज़रूर जगाएगा। इन 5ों दिन मेहनत करनी है आपको। आप अलार्म लगा के सो जाओ, फटाफट से आपकी आंखें खुल जाएगी। अगर 5 बजे आपने मन बनाया है तो जो ब्रेन है ना, हमारा दिमाग हमको कंट्रोल यही करता है, तो इसको पता लग जाएगा कि आपको जल्दी जगना है। बस आपको रात में इससे बोल के सोना है कि मुझे सुबह जल्दी जगना है, तो ये डेफिनेटली आपको उतने ही बजे जगाएगा जितने दिन आप उठना चाहते हो। अगर आप 5 बजे उठना चाहते हो तो ये आपको 5 बजे उठाएगा। इस पर कंट्रोल आपको ही रखना है। तो चलो, ये तो हमारे दिन की शुरुआत हो गई। फिर क्या करना है? दैनिक क्रियाएं कर लो। दैनिक क्रियाएं तो आप समझते हो, लैट्रिन, बाथरूम, ब्रश वगैरह, जो करना है कर लो, ठीक है? उसके बाद आपके पास इतना समय है कि आप थोड़ी देर पढ़ लो, ठीक है? पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और कहते हैं ना कि सुबह का पढ़ा हुआ याद रहता है, भूलेगा नहीं इतनी जल्दी। तो सुबह यानी कि प्रातःकाल, सुबह सुबह उठो, छत पर जाओ, अच्छी ताजी धूप लो, पढ़ लो। जो पढ़ोगे वो याद रहने वाला है। उसके बाद अपना नाश्ता किया, नहाना धोना जो भी है काम वो करो, नाश्ता करो, फिर उसके बाद स्कूल जाओ, स्कूल से वापस आओ। लंच लेके जाते हो तो थोड़ा बहुत ही लेके जाते होगे, क्योंकि स्कूल इतना ज़्यादा देर का तो होता नहीं है। आओ, खाना पीना खा लो, थोड़ा सा रेस्ट कर लो, फिर आपको टीवी देखना है, टीवी एंजॉय कर लो। शाम के 4 बजे से आप कंटिन्यू पढ़ाई कर सकते हो। 4 से 6 करना है, 7 करना है। हाँ, कंटिन्यू का मतलब ये नहीं कि 3 घंटा बराबर आप कुर्सी में मेज में बैठ के पढ़ो, आपको बीच बीच में टहलना भी ज़रूरी है। 2 घंटा 3 घंटा इसी क्रम में आप पढ़ो, ठीक? पढ़ लिया, 7 बजे उठ गए, उसी बीच में आपको स्नैक का भी थोड़ी हल्की फुल्की वाली भूख लगती है कि नहीं लगती है? वो क्रंच मंच वाली भूख लगती है, कुछ खा लो, ठीक? फिर उसके बाद अगर पढ़ना है पढ़ो, नहीं तो आप टीवी देख लो, स्पोर्ट्स गेम जो आपको करना है। देखो, गर्मियों का सीज़न चल रहा है तो गर्मियों में दिन थोड़ा बड़ा होता है, तो शाम को 7 बजे 6 बजे के बाद तो चलो धूप जाती है, उसके बाद हल्का सा ठंडा होने लगता है, तो आप 6 से 7 के बीच में अगर आपको पढ़ना है तो कंटिन्यू करना है तो करो, नहीं तो फिर आप 6 से 7 के बीच में खेल लो। फिर उसके बाद आप आओ, घर वालों के साथ बैठो, बातें करो, क्या क्या सारा दिन किया वो करो। फिर उसके बाद आप लंच करो, सॉरी, रात का डिनर करो। डिनर हो गया आपका 8, 8:30, 9 बजे तक, जैसा जिसके घर में रूटीन होता हो। देखो, सबके घर में एक जैसा रूटीन नहीं होता ना, किसी के यहाँ जल्दी खाना बन जाता है, किसी के यहाँ देर से बनता है, तो उस हिसाब से आप ना 9 बजे तक फ्री हो जाओ। 9 बजे तक तो हो जाता होगा डिनर। फिर उसके बाद आप 1 से 1.5 घंटा फिर पढ़ो। अगर यही रूटीन रखोगे तो हमारा जो दिमाग हमें कंट्रोल कर रहा है ना, अच्छी आदत के लिए मैं बता रही हूँ, तो वो आप
वैसा ही आपसे काम कराएगा, ठीक है। तो ये था मेरा आज का वीडियो, अगर इसको फॉलो करना है तो कमेंट कर दो, अगर डिसलाइक करना है तो भी कमेंट कर दो।